आपका दिन शुभ हो एक बार फिर हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है हमें आपको यीशु के बारे में बताना अच्छा लगता है जानते हैं सुसमाचार प्रचार क्या है एक भूखा भिखारी दूसरे भूखे भिखारी को बता रहा है कि रोटी कहाँ मिलेगी यही इसकी परिभाषा है यह इतना सरल है यदि आज आपने प्रार्थना की है तो मैं आपके साथ कुछ साझा करना चाहता हूँ जो आपको मुक्त कर देगा और वह है अन्य लोगों को आंकना बंद कर दें मैं सिर्फ आपसे ही नहीं खुद से भी बात कर रहा हूं जब हम लोगों का मूल्यांकन करते हैं तो उनसे अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं आप जानते हैं क्या होता है वे हमारी कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं तब हम निराश हो जाते हैं उदास हो जाते हैं लोगों का मूल्यांकन मत करो परमेश्वर को न्याय करने दो यदि हम मथी के सुसमाचार अध्याय सात पर जाए मैं पद एक से कुछ वचन पढ़ना चाहूंगा यीशु ने कहा दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा आप जितनी कठोरता से दूसरों पर दोष लगाएंगे परमेश्वर का न्याय भी आपके लिए उतना कठोर होगा पदतिन तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लठ्ठा तुझे नहीं सूझता जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई को कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दू हे कपटी ये प्रभु ने कहा पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा दोस्त हमेशा लोगों पर दोष लगाने के बजाय आइए उनके लिए एक उदाहरण बने आइए हम उन्हें अपने जीवन से दिखाएं ना कि उन्हें बताएं कि कैसे जीना है जबकि हम स्वयं उस तरह से जीवन नहीं जीते हों यीशु कहते हैं कि तेरी अपनी आंख में लट्टा फंस गया है और तो अपने भाई की आंख से तिनका निकालने का प्रयास कर रहा है याद रखें जब आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं तो तीन उंगलियां आपकी ओर उठती हैं आपने यह पहले सुना होगा हमें वास्तव में उदाहरण के द्वारा जीने की जरूरत है और हमें दूसरों पर दोष लगाना बंद करना होगा है ना क्योंकि आप नहीं जानते आप उनकी कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते आप उस बेचारे बूढ़े असहाय को कचरे के ढेर पर बैठा हुआ देखते हैं और तुरंत उसे आंकने लगते हैं है ना आप उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसकी कार सड़क के किनारे खराब हो गई है और आप चिढ़ जाते हैं क्योंकि वह यातायात को अवरुद्ध कर रहा है क्योंकि उसकी कार पंचर हो गई है आप नहीं जानते उसके पास दूसरा टायर खरीदने के लिए पैसे नहीं है इसीलिए उसके पास कोई हल नहीं है आप एक पुरानी पोशाक पहने हुए बूढ़ी महिला को देखते हैं और आप उसकी आलोचना करते हैं लेकिन उसके पास यही एकमात्र पोशाक है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है दोस्त हमें वास्तव में परमेश्वर से यह पूछने की जरूरत है कि वह हमें यह समझ दे कि ये लोग ऐसा जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर हैं उनमें से कुछ असहाय जिन्हें हम सड़कों पर चलता हुआ देखते हैं वे मंद बुद्धि नहीं है वे पापी नहीं है उनके जीवन संघर्ष से भरे हैं हो सकता है किसी ने उन्हें बेजत किया हो शायद यह उनके बुरे दिन हो, हो सकता है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो और वो सदमा झेल न पाए हों और अभी तक मौत का मातम मना रहे हों वह इस तरह के हालात से जूझ रहे हों और जीवन का सामना नहीं कर पा रहे हो और ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर हो बल्कि उनसे प्रेम करें बल्कि उन्हें गले लगाए उनकी परिस्थितियों में उनके साथ बैठे और उन्हें ये मसीह के बारे में बताएं उन्हें उपदेश ना दे ना ही उन पर दोष लगाए उन फरीसियों को याद करें जो पापी स्त्री को पत्थर मारना चाहते थे और वो भाग कर के पीछे छिप गई यीशु ने कहा जिसने कोई पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर फेंके और उन ने पत्थर डाल दिए और चले गए शीशे के घरों में रहने वाले लोग पत्थर नहीं फेंकते हमेशा अपनी हैसियत याद रखें आप जानते हैं, हैं हमारी याद कमजोर है मुझे याद रहता है कि परमेश्वर ही मुझे यहां तक लेकर आया है मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो दिवालिया हो गए थे जब तक उन्होंने सब कुछ यीशु को नहीं दे दिया और यीशु ने सब कुछ ठीक कर दिया और शायद अन्य लोग ऐसा नहीं कर पाए और इसलिए कुछ प्राप्त न कर सके इसलिए दोष न लगाए उनसे प्रेम करें और उनके लिए प्रार्थना करें और आपका अपना जीवन बेहतर हो जाएगा फिर मिलेंगे प्रभु आपको आशीष दे गुड बाय We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbucken.com.